तालाबों की जमीनों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ में कार्रवाइयों का सिलसिला बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है और अब इसकी जद में तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के बड़े भाई ए तिरुपति रेड्डी का घर भी आ रहा है, जिनका ये घर माधापुर एरिया में मौजूदा अमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मौजूद है और यह दुर्गम चेरू तालाब के बफर जोन में पाया जाता है, जो एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 600 गज पर तामीर किया हुआ है। जिन्होंने साल 2015 में मामूजान के दौरे हुकूमत में दुर्गम चेरू तालाब की जमीन पर हैसो इस घर को किसी और से खरीदा था, लेकिन अब हाइड्रा वालों की तरफ से दुर्गम चेरू तालाब की जमीन पर नाजायज कब्जों के खिलाफ बर्खास्तगी का काम शुरू कर दिया गया है और इसके तहत 200 से जायद घर आ रहे हैं, जिसमें तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के बड़े भाई ए तिरुपति रेड्डी का घर भी शामिल है। और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने ए तिरुपति रेड्डी को एक नोटिस भी दे दिया है, जिस पर ए तिरुपति रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई होने के बावजूद इस घर को छोड़ देने का ऐलान कर चुके हैं। जिन्होंने अपने बयान में बहुत ही अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि जब कोई भी इलीगल काम किया जाता है तो इसे लीगल तरीके से पूरा कर देना चाहिए, जो इनके इस घर के बफर जोन में होने से नावाकिफ थे, मगर वो अब इस मामले में हाइड्रा के अहदेदारों का पूरा ताउन करेंगे। काश इनके वैसा दूसरे लोगों को भी अपनी खुदी से आगे आकर तालाबों की जमीनों पर किए गए नाजायज कब्जों को खत्म कर देना चाहिए तो सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना और साथ में रेवंत रेड्डी के बड़े भाई ए तिरुपति रेड्डी का बयान भी एक बार जरूर सुन लेना, जिनके इस बयान से ये बात भी समझ में आ रही है कि जब चीफ मिनिस्टर के भाई के घर पर बुलडोजर चलेगा तो फिर आम आदमियों की तो कोई अहमियत भी नहीं रहेगी। जी लेआउट सैंक्शन लेआउट है, वो मैं पहले ओनर पर बाजाब्ता परमिशन लेके घर बनाया, घर बनाया सो घर मैं खरीदा। उसके बाद में जब ये FTL में या नदी में बफर जोन में वो सब कुछ मैं जानता नहीं, जब मैं पेपर्स लिए एडवोकेट को दिया सब सही है बोले मैं घर खरीदा। अब नोटिस मिला तो नोटिस पे नोटिस अभी आपको जो मिला है किस चीज पे और किस बिना पे मिला है और आगे आप ये बफर जोन में बोल के मिला है या फिर FTL में मिला है किस चीज पे मिला? वो बफर जोन में है बोल के बोल रहे लोग, नोटिस में भी वही है। कितना है सर ये पूरा जो आपके प्रॉपर्टी पर F नहीं मार्क किया गया है, दूसरे जितने प्रॉपर्टीज है? मेरा 600 यार्ड्स है, मेरा 600 यार्ड्स, ये वाल्टा एक्ट से पहले लेआउट बने से है। वाल्टा एक्ट बनाने के बाद कुछ वो लोग क्या कर लिए मुझे पता नहीं है, तो अभी देखना है। सर अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ ये सवाल उठ है कि कोई अधिकारी अभी तक मुझे नहीं मिला, मेरे से बात नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर को क्या कहेंगे सर? आपके भाई है, एक पर्सनल आपका रिलेशन एक है और दूसरा वो एक मिनिस्टर, वो मेरे अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं, वो तो करने हैं अधिकारी करने हैं, CM क्या करेंगे, क्या कहेंगे सर? ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा, लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी है? रेडी है। और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है, BRS के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं। BRS लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो मुसीबत में पड़ा दिए, जो मगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है? ये तो मैं बनाया तो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर जिसमें खरीदा मुझे क्या मालूम है? नहीं गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं कि BRS BRS वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे, ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए।